आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, कुछ नए सरकार आपको पता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो कुछ अपडेट मिलते रहते हैं। और अच्छी बात यह कि वर्करों के हित में सरकार अगर कोई अच्छी अपडेट लेके आती है तो 100% आप लोगों को फायदा होने वाला है, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते होंगे। हम बात करेंगे सऊदी अरबिया, जी हाँ साथियों, लेबर अफेयर्स के बारे में। आप मजदूर लोग या फिर एक्स वाई जेड जॉब से कोई भी हो, जो नौकरी पेशा है, जॉब वाला है, उसकी हम बात करेंगे। ऑल आवर कंट्री से कोई भी कंट्री के वर्कर्स सऊदी अरबिया में जॉब कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड पहले होता क्या कि आप जैसे इंडिया है, इंडिया से वहां पे जाके जा रहे हैं, तो आपके पास जैसे आप किसी चीज में, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, आप एक्स वाई जेड कोई भी आपके पास प्रोफेशन है, उसकी आपके पास डिग्री है इंडिया में, और वो डिग्री आप लेके जाते थे सऊदी अरबिया में, तो वहां पे क्या होता था, ऑफिस वाले, कंपनी वाले आपकी वो डिग्री चेक करते थे, नखरा करना, ये डिग्री फर्जी है, हम चेक करवाएंगे, यानी दबाव बनाना, एक तरह से आपको मेंटली हरासमेंट करने की भी उसमें कोशिश मान सकते हैं हम। लेकिन उस पे सऊदी सरकार लेबर अफेयर्स ने बड़ा फैसला दिया साथियों, मानव संसाधन मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए आप लोगों के हित में अच्छा फैसला जारी किया है। हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें, पहले आप इंडिया से किसी भी कंट्री से, आप मान लीजिए सऊदी अरबिया किसी भी कंट्री में जाते, खासतौर से हम बात करेंगे सऊदी अरबिया के बारे में, आप जाते तो वहां पे आपका जॉब लग जाता, फिर आपके सर्टिफिकेट की जांच होती है, नकली तो नहीं है, हम आपको वहां पे इंडिया में भेजेंगे, वो ऑनलाइन सर्च वगैरह करते रहते थे। लेकिन अब बता दूं, सऊदी अरबिया में मानव संसाधन मंत्रालय, बता दूं, लेबर अफेयर्स ने साफ इस बात को एक तरह से डिसीजन दे दिया है कि कोई भी विदेशी कामगारों के, गैर मुल्की जो लोग हैं, उनका सऊदी अरबिया में कोई भी डॉक्यूमेंट आप चेक नहीं कर सकते। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट इंडिया से लेके वहां जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट चेक नहीं होने वाला है। हाँ, उसमें कंडीशन ये कि वो आपको इंडिया में ही अटेस्टेड होके आपको वहां लेके जाना पड़ेगा, यानी डॉक्यूमेंट आपका, ये नहीं कि भाई ये सुविधा आप लोगों के लिए मिल रही है तो आप नकली डॉक्यूमेंट बना के वहां पे। हालांकि ऐसा होता भी है, कल तक लोग इंडिया जाते थे सऊदी अरबिया ड्राइवरी में, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, 500 1000 रुपए में नकली लाइसेंस बनता, वो लेके वहां चले जाते, उसी के बेस पे लोगों के, हजारों लोगों के यहाँ पे लाइसेंस बने, ऐसा भी होता है। लेकिन इस बात का गलत फायदा भी नहीं उठाएं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूँ, मान लीजिए मेरे पास LLB की डिग्री है और मैं डॉक्टर की डिग्री लेके सऊदी अरबिया में पहुंच जाऊंगा नकली डिग्री लेके, क्योंकि वहां तो कोई चेक नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वहां जाके मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जिसका जो प्रोफेशन है उसी जॉब की वहां पे डिग्री लेके जाना, फायदा ये है कि आपको इंडिया में तो आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वहां पे आपका कोई भी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं करने वाला है। सेकंड पार्ट, वहां पे बता दूं, मैंने लेबर अफेयर्स ने साफ ये भी घोषणा कर दी है कि भाई यहाँ पे जॉब प्रोफेशन चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं ड्राइवर हूँ, तो मैं, मेरे पास लाइसेंस ड्राइवर का है, तो मुझे ड्राइवरी में जॉब मिलेगी, फिर मैं ये बोलूंगा कि मुझे जी मेसन बना दो, मुझे ऑफिस में वर्कर रख लो, तो वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ खास कैटेगरी हैं, जैसे इंजीनियर मान लीजिए, डॉक्टरी मान, स्पेशलिस्ट, हेल्थ वर्कर, इन चीजों का मान लीजिए आप जा रहे हैं दूसरे जॉब में, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, आपके पास लाइसेंस है, तो इन चीजों में आपका चेंज हो सकता है, बाकी नॉर्मली में आपका प्रोफेशन चेंज नहीं होने वाला है, खास तौर से जिसमें आपको एक्सपर्ट हो, आप वही काम आपको वहां पे मिलने वाला है। तो ये अच्छी न्यूज आप लोगों के लिए थी, मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।